नहीं अखाड़ा जो आप लोग शायद सुन रहे होंगे, बालक दास जी कालाबड़ वाले आए थे दोपहरी में, उन्होंने कहा था कि निर्मोई 9 गांवों का है और उस 9 गांवों में काफ़ी मात्रा में साधु समाज है। तो आज 2 पदों का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मोई अनी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हमारे लाडले सिंहस्थ भूषण श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, आपको इन्होंने अभी बताया ही था बचपन वास्तव में हम लोगों का बड़ा साथ में रहे, साथ में आनंद लिया। और मैं आप लोगों को तो क्या कहूँ, बड़े लोगों की बात को छोटे मुंह से कही जाए तो आनंद नहीं आता है, लेकिन हम दोनों एक ही घड़ी में, एक ही समय में, एक ही टाइम में अखाड़े में हम लोगों का भी प्रेस हुआ और आज हम सब एक साथ इस अखाड़े की और संसार की सेवा भी हम लोग हमसे जो जैसी बन रही है कर रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए पद की व्यवस्थाएं सबके पास हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि सरथला गांव का ये सौभाग्य है कि दोनों विभूतियां इतने साधारण से, मेरी नज़र में मुझे पता है साधारण क्या होता है और वीआईपी क्या होता है, तो अपने चार भुजा सरथला श्याम के साधारण से गरीबों के किसानों के यज्ञ में भी इन्होंने स्वीकृति दे करके, और मुझे पता है 4 दिन से हरिद्वार में इनका निरंतर राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन चल रहा था, वहाँ से फ्री हुए और पूरी रात चले, पूरा दिन चले और हमारे पास में यहाँ उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई, ये कम बात नहीं है। लेकिन अपने लिए लड़े वो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो अपने लिए न लड़कर के लोगों तक और जीव जीव तक लड़े वो महान पुरुष हो सकता है, लेकिन निर्जीव के लिए जो लड़े वो मैं कहता हूँ परमात्मा से कम नहीं है। और ये दोनों विभूतियाँ आपको मालूम है, मैंने अखबार पढ़ा है ऑनलाइन, हरिद्वार में इन्होंने जो सम्मेलन किया, किसी भी संत के मुँह से जो इन दोनों ने मांग रखी है गवर्नमेंट से, आज तक किसी संत ने नहीं रखी। इन्होंने कहा कि हमारे देश में मंदिरों का विध्वंस होता जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिर की जमीनों को जाकर के और हड़पा जा रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कब्जा कर रही है। दोनों विभूतियों ने सरकार को ये निवेदन किया है कि प्रशासन इस बात का ध्यान दें और हमारी धर्म और संस्कृति के प्रतीक मंदिरों का बचाने का प्रयास करें, और इसके ऊपर अगर प्रशासन और सरकारें ध्यान नहीं देगी तो साधु समाज को कुछ इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। कितनी सदी भाषा में इन लोगों ने इस बात को प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करता हूँ, देखो बात कहना सबको आता है लेकिन बात परोसना हर किसी को नहीं आता है। आपने कहा कि साधु सूरज होता है और सूरज आग उगलता है, लेकिन ये मेरे सूरज दोनों के दोनों इन्होंने आग में बर्फ लपेट करके और महाअग्नि का चेतावनी प्रशासन को दे दी कि ये प्रशासन अगर इस बात को नहीं करेगा, और ये धोना जरूरी है। मैं थोड़ा सा मेरे अखाड़े के बाबा श्री श्री 1008 बाबा नंदराम दास जी की पुस्तक मेरे पास में एक रखी थी, उसमें से मैंने पढ़ा कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों का इतिहास क्या होता है, तो हमारे पंचगंगा घाट काशी में हमारे सब व्यवस्थाओं का रामानंदाचार्य जी का मुख्यालय है, वहाँ पुस्तक रखी है, वहाँ पुस्तक में 22 के यानी जो संविधान बनाया हुआ धर्म का उस 22 के -1 उसमें ऐसा लिखा है, और महाभारत के शांति पर्व में भी उसका उल्लेख का वर्णन लेखक ने किया है। उसमें लिखा है कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों के नीचे 7 विभाग हुआ करते थे। ध्यान देना, ये दोनों जो विभूतियां हैं ये मंदिर ईंट दीवार को नहीं बचा रही है, ये तुमको बचा रही है। और मुझे अगर 5 मिनट का समय और रहे तो मैं थोड़ा सा इस विषय को, क्योंकि अखाड़ा क्या करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि साधारण मामला है, नहीं, मेरे इस अखाड़े के मेरे सैव और वैष्णवों ने
सन 1747 के उस अवसर के ऊपर जो अपना बलिदान मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने लिया, 74.5 मन जनेव साधुओं की उतर करके इकट्ठी हो गई। इतनी बड़ी कुर्बानी इस देश को दी, तब आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, तब चार भुजा की आप पूजा कर रहे हैं, तब आप झालर और शंख ध्वनि की आवाज़ सुन रहे हैं। आज मिलिट्री तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, लेकिन जब मिलिट्री और पुलिस दोनों नहीं थे तब कौन था? किसी के आया मन में जवाब? तब ये साधु थे जिनको नागा लोग कहते हैं। हम लोग तुमसे भीख मांग के खाते थे और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहे, इसलिए गर्दन कटाने के लिए सबसे पहले अखाड़े के नागा लोग सामने होते थे, तब तुम्हारा धर्म बचा है। उस पुस्तक में 22A में लिखा है कि 7 विभाग मंदिर के नीचे हुआ करते थे। अब मैं आपको गिनाता हूँ जितना मुझे याद है, क्योंकि अखाड़ा का सक्रिय दायित्व है, कुछ वर्षों से मेरे पास मैं निष्क्रिय रहा, तो शायद उस कारण से एक आध भूल सकता हूँ। तो पहला विभाग है स्वास्थ्य विभाग, जो आपके ये हॉस्पिटल आज गवर्नमेंट कहती है ना, स्वास्थ्य मंत्री, क्या स्वास्थ्य मंत्री करेगा? ये मंदिर के पुजारी के अंडर में स्वास्थ्य विभाग उस संभाग का रहा करता था। दूसरा विभाग शिक्षा विभाग, जिसमें आचार्य और पंडितों की नियुक्ति होती थी, वो भी मंदिर के अंडर में ही होता था। जलदाय विभाग, जो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था होती थी, कुआ बावड़ी, टैक्स, इन सब का जो मेजरमेंट और मैनेजमेंट ये दोनों हुआ करता था, वो मंदिरों के नीचे हुआ करता था। इसके पश्चात आप लोगों ने, आज तो नहीं है, पुराने जमाने में एक बोर्ड लगा रहता था, राष्ट्रीय निर्माण विभाग। सड़क बनाने वाले विभाग को क्या कहते थे पहले? PWD, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट विभाग। तो बोले पब्लिक वर्क डेवलपमेंट विभाग PWD, वो PWD भी मंदिर के अंडर में ही रहा करती थी। इसके अतिरिक्त जो भू राजस्व है, पटवारी और गिरदावर बनते हैं ना, कितना नोच नोच करके सरकारी कर्मचारी खा रहे हैं। एक मंदिर का विभाग इस पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करता था। और जिस जमाने में मंदिर विभागों ने आज से 500,000 वर्ष पहले जितनी पुलियाएं बनाई, जितनी गुफाएं बनाई, जितनी भी जाकर के और सुरंगें बनाई, एक पत्थर का कंकर उसमें से नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि वो हराम का नहीं खाते थे और काम ईमानदारी का करते थे। हमारे देश में वास्को डी गामा और कोलंबस, ये खोज करने के लिए, एक ने अमेरिका की खोज की और एक ने भारत की खोज की। दोस्तों जब वो आए दिमाग खराब हो गया उनका, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, कथाओं में नहीं मिलेगी। वो गए बनारस और बनारस जाकर के उन्होंने एक टूटी सी झोपड़ी में मध्यम प्रकाश में ऐसा दिया जिसकी लो ज्यादा नहीं थी, और जो उसके पास बैठा हुआ था हड्डियों का ढांचा जैसा एक विद्वान लिख रहा था, उसने जाकर के उससे कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं अगले वर्ष का पंचांग बना रहा हूं। बोले तुम्हारे इस पंचांग का इस देश के ऊपर क्या असर होगा? बोलो जो मैंने लिख दिया उस तिथि को, उस वार को, उस टाइम के ऊपर पूरा भारत एकत्रित हो जाएगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कोई मीडिया नहीं है, अभी कोई अखबार नहीं है, अभी कोई प्रचार का साधन नहीं है। बोले यही मेरे देश की विशेषता है, प्रचार और प्रसार उसको चाहिए जो संस्कृति से दूर है। मेरे